पापा मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं होता आप ही के साथ जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। वो तो बस हानिया। हानिया का नाम मत लो, उस घर में भी ऐसे फरिश्ते नहीं बसते। अच्छा बाबा, आप गुस्सा तो ना करें। आलिया बेटा, पापा एक सेकंड होल्ड करें। जी अम्मी। वो मैंने तुम्हें, आपने दानियाल से मेरी शिकायत लगाई है? वो लड़ रहे हैं मुझसे। मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की फातिमा, और मुझसे इस लहजे में बात मत करो। क्यों ना करूं मैं बात इस तरह? अगर आप लोगों को पता था कि वो हानिया से मोहब्बत करता है, मुझसे क्यों उसकी शादी कर रहा है, प्लीज बताएं मुझे। वजह पूछना चाहती हो तो जाके वलीद से पूछो या फिर हशमत भाई से। अभी क्या कर रही है? घर में मुलाजिम है, क्यों तमाशा बना रही है? तुम चुप करो, तुमसे बात की है मैंने? बात को मत बढ़ाओ फातिमा, दानियाल तुमसे बेवफाई नहीं करेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। आपके इस वादे से क्या हानिया दानियाल के दिल से चली जाएगी? दानियाल का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, और यूं बार बार उसके माजी को कुरेद कर उसे खुद से बदगुमान मत करो। और वैसे भी हानिया की तो शादी हो रही है। किस तरह बात कर रही हैं फातिमा से? चिल्ला क्यों रही हैं उस पर? खुदा के लिए वलीद, फातिमा चिल्लाती हुई आई है, वो कह रही है कि मैंने दानियाल से उसकी शिकायत लगाई है। अबू, दानियाल मुझसे लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैंने हानिया का नाम भी अपनी जुबान पे लिया तो वो कुछ कर देंगे। क्या कर लेगा वो? उसकी जरूरत की तुम्हें धमकी दे? घर में बीवी मौजूद है, वो अपने माजी में गुम है, इतनी घटिया सोच का मालिक है, कहां है वो? वलीद, 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 हेलो। खुश हो गई तुम? वलीद, पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब्बू को सारी बातें सुना रही थी तुम? कॉल पे थे वो? नहीं, मैं पहले से बात कर रही थी। आलिया, ये तुम क्या? पीछा छोड़ दो भैया।